हेलो फ्रेंड्स, होप आप सब ठीक होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आप बेबी के बेस पर कैसे रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हो। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि आप पोर्चुगल में आकर हेल्थ सेंटर में कैसे रजिस्टर हो सकते हो। ये वीडियो मैंने सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट पर बनाई है। जब आप फैमिली के साथ पोर्चुगल आते हो और आपको कुछ लोग बोलते हैं कि ट्रीटमेंट और डिलीवरी फ्री होता है और कुछ बोलते हैं कि पे करना पड़ता है। जिन लोगों ने पे किया हो वो कहते हैं कि पे करना पड़ता है। अगर आप किसी एजेंट के पास जाते हैं और इसके बारे में पूछते हैं तो वो आपको बोलता है कि हम आपके साथ जाएंगे और आपकी ग्रीन बुक बना देंगे जिससे आपका ट्रीटमेंट फ्री होगा। इसके लिए वो आपसे 200-300 यूरो या जो भी इनका चार्ज होता है वो ले लेते हैं, मगर प्लीज़ किसी को पे मत करिए। मैं इस वीडियो में आपको बताती हूँ कि आपको फ्री ट्रीटमेंट के लिए क्या करना है। प्लीज़ वीडियो को पूरा सुनिए। मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, हेल्थ सेंटर के चार्जेस क्या है और फ्री ट्रीटमेंट और डिलीवरी के लिए क्या करना है। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ सेंटर्स की। हेल्थ सेंटर को यहाँ पर सेंटर ऑफ द सूद कहते हैं। हर एरिया का अपना सेंटर ऑफ द सूद होता है जो एड्रेस के अकॉर्डिंग ही रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो आपको अपने एड्रेस के अकॉर्डिंग ही, अगर आप प्रेग्नेंट हैं और पोर्चुगल में शिफ्ट हुए हैं विद और विदाउट वीज़ा, सबसे पहले आपको अपने एरिया के हिसाब से सेंटर ऑफ द सूट ढूंढना है। फिर पासपोर्ट, निफ नंबर और जूनता लेकर वहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए जाना है। रिसेप्शन पर जाकर आपको बताना है कि आप प्रेग्नेंट हैं और रजिस्ट्रेशन के लिए आए हैं। वो आपसे वीज़ा मांग सकते हैं, लेकिन आप बोल सकते हैं कि आपके पास वीज़ा नहीं है। विदाउट वीज़ा भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। प्रेग्नेंट लेडी के लिए ट्रीटमेंट फ्री होता है, फिर चाहे उसके पास वीज़ा हो या ना हो। रजिस्ट्रेशन हो गया इसका मतलब ये नहीं कि ट्रीटमेंट फ्री स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको डॉक्टर के साथ फर्स्ट अपॉइंटमेंट मिलेगी कुछ दिन बाद की। समटाइम्स 1-2 महीने बाद की अपॉइंटमेंट मिलती है। अगर ऐसा हो तो आपको रिसेप्शन पर रिक्वेस्ट करके अपॉइंटमेंट जल्दी की लेनी होगी। अगर फिर भी जल्दी की अपॉइंटमेंट ना मिले तो आपको कुछ दिन बाद आकर कोई बहाना करके डॉक्टर से मिलना होगा। कुछ भी बहाना बना सकते हो ताकि वो आपको डॉक्टर से मिलवा दें। वो इसलिए क्योंकि डॉक्टर ही आपको फ्री ट्रीटमेंट का डॉक्यूमेंट देगा। फर्स्ट अपॉइंटमेंट पर आपको चेकअप नर्स करेगी, फिर डॉक्टर के पास भेजेगी। डॉक्टर आपको ग्रीन बुक देगा जिसे ग्राविदा बुक बोलते हैं, मीन्स प्रेगनेंसी की बुक बोलते हैं। इसमें आपके सारे रिकॉर्ड्स लिखेंगे वो। उसके बाद सेम डे पर आपको डॉक्टर एक पेपर देगा जिस पे आपको 1 साल का ट्रीटमेंट फ्री मिलेगा। उसमें डिलीवरी भी इंक्लूड होगी, डिलीवरी भी फ्री होती है। सारे अल्ट्रासाउंड्स, यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट फ्री होंगे। वैक्सीनेशंस भी फ्री होंगी, जिसे बूस्टरिक्स कहा जाता है। वो आपको ज़रूर करवानी है जो 20 से 36 वीक के अंदर अंदर होती है। अगर आप बिल्कुल लास्ट महीनों में पोर्चुगल में आई हो तो ज़रूर नर्स को इस वैक्सीनेशन के बारे में बोलना। सिर्फ ट्रीटमेंट फ्री होते हैं, टेस्ट फ्री होते हैं, मेडिसिन फ्री नहीं होती। डॉक्टर ही आपको हॉस्पिटल में रेकमेंड करते हैं। जिस हॉस्पिटल में डॉक्टर आपको रेकमेंड करते हैं उसी हॉस्पिटल में आपकी डिलीवरी होगी और फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। डॉक्टर से फ्री ट्रीटमेंट वाला डॉक्यूमेंट लेना मत भूलना। एक और बात, कुछ सेंटर ऑफ द सूद रजिस्ट्रेशन के लिए चार्ज करते हैं अप्रॉक्स 35 से 40 यूरो। कुछ फ्री होते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपके एरिया का सेंटर ऑफ सूद चार्ज करता है या नहीं करता है। अगर करता है तो कितना करता है। ये वन टाइम पेमेंट होती है, सिर्फ जब आप पहली बार रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हो तभी देना पड़ता है। उसके बाद नहीं, वो आपको पे नहीं करना पड़ता। जब बेबी होता है तब हॉस्पिटल में फर्स्ट वैक्सीनेशन के टाइम पर ऐसी एक वैक्सीनेशन बुक दी जाती है जिसमें बेबी के होने वाले सारे वैक्सीनेशंस का रिकॉर्ड रहता है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज वाले दिन एक और बुक मिलती है जिसमें बेबी की ग्रोथ का रिकॉर्ड रहता है। जब भी आप बेबी को सेंटर ऑफ द सूद में चेकअप के लिए लेके जाते हो तो ये बुक साथ लेके जानी पड़ेगी। बेबी गर्ल है तो पिंक बुक मिलती है और बेबी बॉय है तो ब्लू बुक मिलती है। बेबी को 18 साल तक फ्री ट्रीटमेंट होता है। तो बस आपको फ्री ट्रीटमेंट के लिए अपना जूनता, निफ नंबर और पासपोर्ट लेकर सेंटर ऑफ द सूद में जाना है।
किसी एजेंट के पास मत जाइए, किसी को पे मत कीजिए ग्रीन बुक के लिए, जिसे ग्राविदा बुक बोलते हैं। वो आपको डॉक्टर ही देगा, कोई एजेंट नहीं देगा। वो आपको सिर्फ ले जाएंगे सेंट्रल सूद में, आपको वहाँ पर ले जाके रिसेप्शन पे बात करेंगे और आपसे पैसे ले लेंगे। बाकी सारा काम तो सेंट्रल सूद वाले करते हैं, तो आप किसी को पे मत कीजिए, खुद ही वहाँ पर जाइए। इंग्लिश भी बोलते हैं रिसेप्शन पे, अगर वो नहीं बोलते तो आप कोई भी बंदा ढूंढ लो जिसको थोड़ी बहुत पुर्तगीज़ आती हो। वैसे तो रिसेप्शन पर सारे इंग्लिश बोल लेते हैं, तो अगर नहीं बोलते तो कोई बंदा ढूंढ के आप हेल्प के लिए लेके जाओ, किसी एजेंट को पे मत करो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं जल्दी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करूँगी। थैंक यू एंड वेट फॉर मोर वीडियोज़।